फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो आप अपना वोट कौन सी पार्टी को कास्ट? पाकिस्तान मुस्लिम नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट देंगे। नवाज शरीफ साहब की खातिर अपने आप को आग लगाई थी। उम्र सारी उन्होंने करप्ट होकर भी ये काम किया, तो आपने क्या किया चार साल में? तो फिर आप अपना वोट कौन सी पार्टी को देंगे? नहीं देंगे, जाया देंगे नहीं, जाया कर देंगे अपना वोट, जाया कर देंगे, जाया कर देंगे। हम वो पार्टी चाहते हैं जी जो पार्टी आवाम के लिए अच्छी हो। फिलहाल तो हमारी नजर में कोई ऐसी पार्टी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट वीर खान ज़ादा और आप देख रहे हैं MRK प्रोडक्शन। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के हलका NA55 में, जहां पे शेख रशीद और PMLN के हनीफ अब्बासी मद मुकाबिल हैं। तो आज हम आवाम की राय जानेंगे कि वो कौन सी पार्टी को अपना वोट कास्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको देंगे आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह नवाज शरीफ नहीं वोट, पाकिस्तान मुस्लिम नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट देंगे। मैं पाकिस्तान मुस्लिम नून का वर्कर हूँ, PP12 चंद्र फैक्ट्री हूँ, मेरा नाम वकास मुगल है, पाकिस्तान मुस्लिम नून का सबसे बड़ा चैनल हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए, नवाज शरीफ साहब की खातर अपने आप को आग लगाई थी। ये 2001 की बात है, परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, मैंने अपने आप को आग लगाई है। मैं एक पार्टी का वर्कर हूँ, हमारी नवाज शरीफ के ऊपर जान भी लगती है। वोट किसको देंगे आप? देख तो पता चलेगा जब टाइम आएगा। इमरान खान के जगह पे ये भी खड़ा हो जाए ना, इसको भी हम वोट देंगे। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में बहुत काम किए हैं, तो आपके इमरान खान ने 4 सालों में बिल्कुल मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। इंशाल्लाह हम कोशिश लगे हुए हैं, पाकिस्तान में महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे, पेट्रोल को भी कंट्रोल करेंगे, हर चीज को करेंगे। मुझे ये बताएं, पिछले 3-4 सालों में इमरान खान ने आपको क्या दिया? जो जब से हैं हर चीज महंगी हुई है, लेकिन जो अभी उनकी पिछली 16 महीने की हुकूमत थी उसमें तो बहुत महंगाई हुई, आवाम के लिए जीना काफी मुश्किल हो गया। उस टाइम हालात इतने उनको खराब मिले थे, तो उसको बेहतर करने में टाइम तो लगना था। नहीं, जितने खराब मिले थे सही होने के बजाय और खराब हो गए ना। अगर किसी बंदे को आप खाली दुकान दे दें तो वो क्या करेगा? उसमें दुकान में माल होगा, बेचेगा, प्रॉफिट आएगा, फिर ही चलाएगा ना। लेकिन फिर उन्होंने ज्यादा और कर्जे ले लिए, महंगाई और ज्यादा कर दी, टैक्स और ज्यादा लगा दिए। भैया वो जो IMF के पास गए ना, ये खान साहब अगर ये ना जाते ना तो ना होता। उन्होंने पहले मियाँ साहब ने उसको खैराबाद कह दिया था IMF को। IMF की इतनी शरायत थी, अब भी इतनी शरायत है कि आप ये मजबूर हो गए। वालेकुम सलाम, मेरे भाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, अपना वोट कौन सी पार्टी को दे? मैं तो ये कहता हूँ, मैं सरदारी साहब का बंदा हूँ, लेकिन सरदारी साहब नवाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं, नवाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं, गद्दार है, क्योंकि इमरान खान सही बंदा है, उसको वोट डाले, क्योंकि वो उसने काम किए हैं, कोरोना में हमें लेके चला है। इंशाल्लाह इमरान खान ही जीतेगा, इमरान खान ही जीतेगा। लोड शेडिंग थी वो किसने खत्म की थी? वो जाहिर सी बात है नवाज शरीफ ने खत्म की, लेकिन अभी जो उनकी दहशत गर्दी किसने खत्म की थी? जाहिर सी बात है नवाज शरीफ ने खत्म की है, लेकिन कराची के हालात किसने ठीक किए थे? क्या हालात थे नून लीग की हुकूमत आने से पहले और बाद? नवाशी के आने से पहले नवाशी ने ऐलान कर दिया कराची के हालात मैं पहले सेट कर लूंगा आगे। उसने आया और दस्ती कराची का सफाया कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और नवाशी के दौर में कारोबार बहुत अच्छा था। लेकिन अभी जो 16 महीने की हुकूमत आई उसमें इतनी महंगाई हुई, इतने शहबाज शरीफ को कुछ मालूम नहीं है, जो नवाज शरीफ को मालूम ज्यादा है, वो कारोबारी बंदा है, उसके आने से कारोबार अच्छा हो जाता, हर बंदा गरीब से गरीब बंदा उठ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी दूसरे गाने से पता नीचे आ जाता है, मुल्क की तबाही कर देते हैं ये लोग। आपका वोट सिर्फ नवाज शरीफ के लिए? सिर्फ नवाज शरीफ, इंशाल्लाह सिर्फ नवाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरवरी में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप अपना वोट कौन सी पार्टी को कास्ट करेंगे? नून लीग को। ऐसी क्या वजह कि आप अपना वोट जो है वो नून लीग को कास्ट करेंगे? उन्होंने यार काम किए हैं। ऐसे कौन से काम है? लेकिन जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आवाम को सबको पता है, 4 साल में इमरान खान साहब ने क्या किया? लेकिन इमरान खान तो कहते हैं कि नून लीग की हुकूमत करप्ट थी, मुझे तो मौका नहीं मिला, मुझे उन्होंने करप्ट होकर भी ये काम किया, तो आपने क्या किया 4 साल में? तो इमरान खान तो कहते हैं कि जेल में इस वक्त क्यों है, जेल में बैठा हुआ कोई है जवाब इस बात का? नहीं, लेकिन आवाम तो कहती है कि तो सियासी इंतकाम। कौन आवाम? आवाम कोई नहीं कहती, अब पूछे आप जहाँ से मर्जी पूछे, आवाम बिल्कुल उसके साथ नहीं। ये इलेक्शन आपको 8 फरवरी को हो रहा है, ये इसका हशर क्या होता है ये आप देख लें। फरवरी में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप अपना वोट किस पार्टी को कास्ट करेंगे? हम
वो पार्टी चाहते हैं जी जो पार्टी आवाम के लिए अच्छी हो, गरीब आदमी के लिए बेहतर हो, उसका हम उसको वोट देंगे। तो आपकी नजर में ऐसी कौन सी पार्टी है जो आवाम के लिए बेहतर है? फिलहाल तो हमारी नजर में कोई ऐसी पार्टी नहीं है। तो फिर आप अपना वोट कौन सी पार्टी को देंगे? बस अभी जो सोचेंगे इस बारे में। अच्छा, पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप अपना वोट कौन सी पार्टी को कास्ट करेंगे? हम पीटीआई का। पीटीआई को कैसे, क्या वजह है पीटीआई को अपना वोट कास्ट करेंगे? बस इमरान खान को दे। आपका वोट कहाँ का बना हुआ है? पेशावर। तो पेशावर उसको वोट देने जाएंगे? क्यों, ऐसी कौन सी वजह है कि आप इतने दूर पेशावर उसको वोट देने जाओगे? बस ये दिल है ना अपना, हर किसी का नहीं दिल ही ना, आपने पाकिस्तान का भी तो देखना, आप अपना पाकिस्तान का देखो, आपको कौन सा पाकिस्तान के हालात किसने बेहतर किए हैं, कौन पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, आप ये देख के अपना दिल का देख के तो ना। इमरान खान बहुत काम कर रहे हैं। बहुत काम, उसने तो हमें कोई काम ऐसा नजर नहीं आया, आपको कोई काम हो आप हमें बता दें। नहीं बहुत काम किया उसने। अच्छा, बहुत में से आप तीन चार काम हमें बता दें। बस क्या बताए हम, मुझे ये बताएं पिछले तीन चार सालों में इमरान खान ने आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। पाकिस्तान मुस्लिम नून मियां नवाज शरीफ ने आपको मोटरवे रोड दिया, ठीक है जी, और मेट्रो पास दी। मुझे बताओ इन चार सालों में आपको इमरान खान ने क्या दिया? हमें तो दिया नवाज शरीफ ने, मोटरवे रोड दिया है, अच्छा जी मेट्रो पास दी है, और भी बड़े सहूलतें मिली हैं हमें, तो बहुत सहूलतें मिली हैं अल्लाह की मेहरबानी से, हर चीज की सहूलत है। इंशाल्लाह हम कोशिश लगे हुए हैं, अब पेट्रोल का रेट और हम कम करने के लिए जा रहे हैं, बिजली का रेट कम करने के लिए जा रहे हैं, हम आपकी कौम की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अपना वोट कौन सी पार्टी को कास्ट करेंगे? हम किसी को भी नहीं करेंगे, ये सब ऐसे ही हैं, हमें क्या फायदा वोट उनको देने का? नहीं, आपका जमहूरी हक है वोट देना, तो आप किसी को तो वोट अपना कास्ट करें ना। नहीं हम किसी को भी नहीं देंगे। इस तरह फिर आपका वोट जाया हो जाएगा? कोई बात नहीं, जाया हो जाए, इनको देने से ना अच्छा है, इनको महंगाई बहुत की है। तो नहीं, आपकी नजर में जो बेहतर है, जो महंगाई कम करेगा, आप उसको वोट दें? हम की नजर में अभी कोई भी नहीं सही है। नहीं, कोई एक तो होगा ना, पीपल पार्टी का। तो आप पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे? इंशाल्लाह। ना वोट कौन सी पार्टी को देंगे आप? ये इमरान खान को जी। वजह? बस बंदा ही सही है ना, बंदा ही सही है ना। बंदा कैसे सही है, उसका केस बन गया, तोशाखाना का केस बन गया। अगर सही नहीं होता तो इस्लामी मुल्क मतलब वो पसंद नहीं करता था। इस्लामी मुल्क का आप कह रहे हैं, लेकिन उसने खुद इज्जत में निकाह कर लिया। वो इज्जत का तो वो मामला, वो उनका अदालत का नहीं है ना, उसका अंदरूनी मामला। ये अंदरूनी मामला नहीं है, ये हम सब कहे, जो बंदा कहता है कि मैं नहीं, नहीं, नहीं। मैं मदीना के उस पर बनाऊंगा, लेकिन वो खुद इज्जत में निकाह कर रहा है। यार वो उसका वो तो पता अल्लाह को होगा, वो उसको पता होगा, ये बात डिस्कस करना वो ऐसे फजूल है। तो फिर बाकियों की भी करप्शन हमारे सामने तो नहीं है, बाकियों का भी डिस्कस करना फिर फजूल है। यार बाकी जब आया है तो उस वक्त मतलब बैठे दो 3,000 रुपए मन था, अभी 6,000 रुपए मन मिल रहे, तो क्या है मतलब तबाही कर दिया। नहीं देखे, जब नवाज शरीफ ने 2018 में उसको हुकूमत दी थी, तब पेट्रोल भी 70-75 रुपए पे था, डॉलर भी 100 से नीचे था। इसके आते ही ना उसके बाद पेट्रोल रुका ना डॉलर रुका। नहीं वो बात तो आप कर सही है, वजीर खजाना आ गया जिम्मे डॉलर 200 का होगा, मतलब खजाना लूट के चले गए वापस बाहर। नहीं वो तो कहते हैं हमें खजाना खाली मिला था, आईएमएफ के पास थे, आईएमएफ वो कहते हैं ये तो हमारी मर्जी से हो ही नहीं रहा, ये तो आईएमएफ की मर्जी से हो रहा है। क्यों खाली मिला है? पहले नहीं चल रहा था, अभी भी चल रहा है, क्यों मतलब नहीं है? वो कपड़े 4 साल उनकी हुकूमत रही है, 4 साल में वो कहते हैं हमें खजाना बिल्कुल खाली करके दिया। यार वो खजाना तो वो अल्लाह बेहतर जानते हैं, खजाना खाली था उनको जो मिला है मतलब वो तो लूट कर वो ये भी चले गए ना। इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, आप अपना वोट कौन सी पार्टी को देंगे? नून लीग को। वजह? नून लीग ने इस मुल्क को बनाया, काम किया नून लीग ने। लेकिन इमरान खान तो कहता है कि उन्होंने सिर्फ करप्शन की अपनी हुकूमत में। इमरान खान ने करप्शन किया, नून लीग ने नहीं की। ऐसा इमरान खान से और है। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरवरी में पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अपना वोट कौन सी पार्टी को कास्ट करेंगे? इमरान खान। वजह? वजह हेल्थ कार्ड, वजह लंगर खाने, वजह पनाह गए, वजह इक़वामे मुत्तहिदा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे बात करना, वजह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए 15 मार्च को जो इक़वामे मुत्तहिदा में इमरान खान ने करारदार के थ्रू वो जो पास कराया है कि हजूर सल्लम की तोहीन गैर कानूनी है, उसके अलावा श्रीलंका कोरोना के दिनों में श्रीलंका में मुसलमानों को जलाया जा रहा था, इमरान खान ने रिक्वेस्ट करके कहा कि नहीं ये मुसलमान है, हमें दफन होते हैं हमारे जो फौत शुदगान। फिर कोरोना के दिनों में जो
पाकिस्तान की मौशियत को इमरान खान ने संभाला। वो तो कहती है ना ये नकम्मा है, नलायक है। दुनिया में फ्रांस जैसी मौशियत, अमेरिका जैसी मौशियत, बरतानिया और हिंदुस्तान जैसी मौशियत वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकी। लेकिन इमरान, तीन मुल्क थे पूरी दुनिया में, न्यूजीलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान की मौशियत को संभाला। फिर याद करें कोरोना के दिनों में गरीब लोगों की 14,000 दिया कि नहीं दिया। फिर याद करें कि इलेक्ट्रिसिटी में 2-2 महीने के बिल पे ऑफ किए गए। लेकिन 18 में जो जिस हालात मिले थे पाकिस्तान के, पेट्रोल भी 70-75 तक था और डॉलर भी 100 से नीचे था, उन्होंने इतनी आग के महंगाई की, उस पर आप क्या कहें? अगर आप इस तरह कहेंगे ना कि 18 में था तो फिर 13 में क्या आलम था? फिर मुशर्रफ के दौर में तो और डॉलर थी। 13 में जाहिर सी बात है 13 में प्राइसेस ज़्यादा थी, नून लीग के आके कम की, फिर इनको जब दिया तो प्राइसेस कम थी, इन्होंने आते साथ ही रेट बढ़ने, और उसके बाद से अभी तक ना पेट्रोल कंट्रोल हुआ है ना ही डॉलर कंट्रोल हुआ है। पेट्रोल कंट्रोल भी हो सकता है इसलिए कि इंटरनेशनल मार्केट में 2 साल पहले इमरान खान के दौर में $125 फी बैरल पेट्रोल था। लेकिन इमरान खान के बकौल के जब महंगाई होती है, इसका मतलब है कि लीडर करप्ट है, लीडर महंगाई करते हैं। लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट में आते ही नया बयानिया बना लिया कि ये तो आलमी मार्केट से होती हैं सारी इनकी कीमतें कंट्रोल। अच्छा, बात यह है कि जब बंदा ना ग्राउंड से बाहर होता है ना, तो फिर बंदा कहता है यार इस तरह खेलो, इस तरह खेलो, इस तरह खेलो। जब बंदा पिच में आता है ना, जब बॉलर का सामना करना पड़ता है, तो फिर पता लगता है ये बात। तो मतलब कि जो इमरान खान हुकूमत से पहले बातें करते थे वो गलत थी? नहीं नहीं, गलत नहीं होती है। सुने बंदा, सोच की बात है कि आप कह रहे हैं वो पहले ग्राउंड से बाहर थे। सुने बात कि बंदा जो है ना, एक मैं बताता हूँ कि बंदा सोच रहा होता कि मैं ऐसा करूँगा। लेकिन जब बंदा सीट पे आता है ना, जैसे ये आप वहाँ खड़े होकर और बात करेंगे, जब यहाँ आएंगे फिर पता लगेगा कैसे मैनेज करना है। और मतलब कि फिर इमरान खान के पास एबिलिटी नहीं थी मैनेज करने? इमरान खान के पास एबिलिटी थी तो कोरोना में स्टेबल किया ना मुल्क को, और दुनिया में 3 मुल्कों ने अपनी मईशत को संभाला, जिसमें मैंने अभी बताया 3 मुल्क। तो एबिलिटी थी तो मैनेज किया। और दूसरी बात यह है कि अगर एबिलिटी ना होती तो पाकिस्तान की आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आज भी सर्वे कराएं तो लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं। एबिलिटी थी तो लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन वो तो 4 साल यही कहते रहे कि मैं जो है ये पिछली हुकूमत का जो है उसकी वजह से मैं रेट्स बढ़ा रहा हूँ, जो महंगाई है उसकी वजह से है। देखिए इमरान खान ने कैसे मैनेज किया था, मैनेज हो सकता है कैसे किया था कि क्योंकि 100, जो मैं पहली बात कर रहा था आपने मेरी बात नहीं सुनी, कि $125 फी बैरल पेट्रोल था, अब है $73 फी बैरल। $125 फी बैरल वो पेट्रोल परचेज़ करके 145 या 140 का दे रहा था। वो कैसे मैनेज कर रहा था? बिजली वो 13 रुपये यूनिट दे रहा था। वो मैनेज इस तरह कर रहा था कि उसने ये पाकिस्तान का जो डेफिशिट आ रहा था ना आवाम को पेट्रोल सस्ता देंगे, 466 अरब का था, 466 अरब उसने IMF के एक कमिटमेंट के मुताबिक एक्स्ट्रा नहीं किया। जो मैंने जो वजारतों में जो उनके फंड थे ना, उन फंड्स को मिनहा करके तो उन्होंने 466 अरब सिर्फ रखा लोगों को पेट्रोल देने के लिए, डीजल 150 का डीजल इसलिए देने के लिए, और बिजली सस्ती 13 रुपये इसलिए कि बिजली से प्रोडक्शन होती है। बिजली सस्ती होगी तो आप प्रोडक्शन अच्छी करोगे, और प्रोडक्शन अच्छी होगी तो आप बाहर अपना माल भेजोगे, बाहर माल जाएगा तो वहाँ से डॉलर आएंगे। लेकिन अगर महंगाई, इसकी बात बता दो, आप सुनो सुनो। और फिर पेट्रोल उसने 144 तक रखा, और वो जो भी डेफिशिट आ रहा था वो अपनी जो वफाकी वजारतें थी वहाँ से पूरा करता था। डीजल उसने 150 तक रखा, डीजल इसलिए 150 रखा कि डीजल कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। आपके जितने भी सामान आते हैं ना वो बड़ी गाड़ियों में, तो बड़ी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डीजल इस्तेमाल होता है, तो डीजल उसने मैनेज रखा ताकि महंगाई ज़्यादा ना हो। अगर इमरान खान की मैनेजमेंट अच्छी ना होती तो ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ है फैसलाबाद में 2 लोग कहते हैं कि हमारी मिलें बंद थी, हम लोहे के भाव बेच रहे थे, टमाटर की कीमत ज़्यादा थी और हमारी मशीनों की कीमत कम थी। उसने कोरोना के दिनों में उसको मैनेज किया, ठीक है, स्मार्ट लॉकडाउन करके फैसलाबाद की बंद मिलें चलीं, और उसकी वजह से ही 2 लाख ना सिर्फ वर्कर्स को मजदूरी मिली बल्कि 2 लाख की और जरूरत पड़ गई। आवाम की राय तो आपने जान ली, अब देखते हैं कि 2024 के जनरल इलेक्शन में ऊंट किस करवट बैठता है।
और आप भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपने कौन सी पार्टी को वोट कास्ट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करिएगा। शुक्रिया।